छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें विपक्ष ने एंट्री कर ली है। उसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा नेता अरुण साव बिन बुलाए मेहमान बनकर आंदोलन में पहुंच रहे हैं और कर्मचारियों के आंदोलन में राजनीति करने में जुटे हुए हैं, जबकि अटल सरकार में तो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। कर्मचारी भाजपा के चरित्र को अच्छे से समझते हैं। भत्ता की मांग कर रहे हैं, उस महंगाई के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं और भाजपा तो आदतन कर्मचारी विरोधी है। यही वो भाजपा है जिसकी अटल जी की सरकार ने कर्मचारियों का पेंशन को खत्म करने का काम किया था। यही वो भाजपा है जिन्होंने कर्मचारी के अनुकंपा नियुक्ति पर 10% का सीलिंग लगाया था। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति से रोटी सेकने के लिए कर्मचारियों के आंदोलन में गए हैं।